हार एक भयानक यातना है जिसमें गैसोलीन से भरे रबर के टायर को पीड़ितों के सीने और बाहों पर एक चक्कर लगाना और फिर उसे आग लगाना शामिल है। दक्षिण अफ्रीका में गंभीर रूप से जलने की प्रक्रिया में पीड़ित को मरने में 20 मिनट तक का समय लग सकता है। 1970 और 80 के दशक में संदिग्ध चोरों और बलात्कारियों को दंडित करने के लिए भीड़ ने अपने दुश्मनों को सबसे कुख्यात रूप से 2002 में पत्रकार टिम लोपेज के हार के लिए जाना जाता है, जब उन्हें स्थानीय ड्रग डीलरों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, उनके हाथों और पैरों को तलवार से काट दिया गया था, जबकि अभी भी जीवित रहते हुए उन्होंने अपने शरीर को गैसोलीन में भर दिया था। टायरों को भरकर उसमें आग लगा दी। बोन स्नैपिंग लिगामेंट फाड़ यातना उपकरण, जिसे RAC के नाम से जाना जाता था, मध्ययुगीन यूरोप के पसंदीदा पूछताछ प्लेटफार्मों में से एक था। अनिवार्य रूप से यह एक टेबल है जिसमें दो रोलर्स होते हैं। पीड़ित की टखनों को एक रोलर से बांधा जाता है और कलाई को एक हैंडल और रैचेट तंत्र से बांधा जाता है। रोलर्स में से एक से जुड़ा हुआ है समय के साथ कष्टदायी दर्द उत्पन्न करने वाली जंजीरों पर तनाव को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। पीड़ित जोड़ों को विस्थापित कर दिया जाता है और अंततः इस यातना का एक भयानक पहलू अलग हो जाता है, जो कार्टिलेज स्नायुबंधन या हड्डियों की मांसपेशियों को तड़कने से होने वाली जोर से पॉपिंग शोर सुन रहा है। इस बिंदु तक फैला हुआ है कि वे अनुबंध करने की क्षमता खो देते हैं, जिससे वे बेकार हो जाएंगे। असहज स्थिति से बचने के लिए कुछ भी करें और यातना देने वाले अपने बीमार प्रयोगों में अपने लाभ के लिए इस ज्ञान का उपयोग करें। चूहों से भरे मिट्टी के बर्तनों को कैदी के नग्न शरीर पर खुले किनारे पर रखा जाता है। लाल गर्म कोयले को कटोरे के ऊपर ढेर कर दिया जाता है और प्रभावी ढंग से बर्तन को गर्म कर देता है और इसे असहनीय बना देता है। 16वीं शताब्दी में डच विद्रोह के दौरान एक प्रलेखित अवसर में गर्मी से बचने के प्रयास में पीड़ित की आंतों को कुतरने के लिए चूहों का ही एकमात्र रास्ता है। युद्ध के एक कैदी ने अपने मांस के माध्यम से चूहे के काटने के बाद इस यातना को सहन किया और इस आंतों को खरोंच कर गर्म कोयले डाले गए थे उसके पेट में एड उसके आंतरिक अंगों को डांटता है। हेड क्रशर एक ऐसा उपकरण है जो पीड़ितों के सिर को एक गोल लोहे की टोपी में धातु की प्लेट के बीच तोड़ता है। क्योंकि जल्लाद धीरे धीरे हैंडल को घुमाता है, पीड़ित की खोपड़ी धीरे धीरे हड्डी के टुकड़ों को कुचल दिया जाता है, जिससे मस्तिष्क को सहज मांसपेशियों में ऐंठन होती है और निश्चित रूप से मस्तिष्क रक्तस्राव होता है। यदि व्यक्ति दर्द कैदी को और भी पीड़ा देना चाहता है, वह लोहे की छड़ से धातु की टोपी पर प्रहार कर सकता है, जिससे व्यक्ति के पूरे शरीर में प्रतिध्वनित दर्द होता है। ज्यादातर मामलों में पीड़ित को मार दिया जाता है, लेकिन जबड़े को कुचलने से पहले नहीं और उनकी आंखें उनके सॉकेट से निकल जाती हैं। टकर टेलीफोन एक इलेक्ट्रोशॉक उपकरण था जिसका इस्तेमाल किया गया था। अरकनसास टकर राज्य जेल में 1960 और 1970 के दशक में कैदी इस यातना उपकरण का उपयोग अनियंत्रित कैदियों पर करते थे। फोन के रूप में इलेक्ट्रिक शॉक्स भेजे क्रैंक किया जा रहा था। बिजली की धाराओं को जेलों में बंदियों के शरीर में भेजा गया था। एक लंबी दूरी की कॉल एक पंक्ति में बिजली के झटके की एक श्रृंखला थी, जो अनुभव से बाहर निकलने वाले किसी भी कैदी को ठंडे पानी से छिड़क दिया जाएगा। फिर से जर्मन कुर्सी ईसा फॉर्म के रैक के समान पीड़ा को तेज कर दिया जाता। सीरियाई सरकार द्वारा विद्रोहियों के खिलाफ अक्सर यातनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक बंदी को पकड़ लिया जाता है तो उन्हें एक धातु की कुर्सी पर रख दिया जाता है। उनके पैरों और हाथों को सीट पर सुरक्षित कर दिया जाता है, जबकि कुर्सी के पिछले हिस्से को पीछे और नीचे जमीन की ओर खींचा जाता है, जिससे रीढ़ की हड्डी और अन्य अंगों पर अक्सर गंभीर तनाव होता है। सीरियाई यातना प्रकोष्ठ से बचने में कामयाब रहे एक व्यक्ति को स्थायी नुकसान पहुंचाते हुए दावा किया कि उन्होंने 4 दिनों के लिए दिन में 8 से 12 घंटे कुर्सी पर उसे नग्न और उल्टा लटका दिया। वह कहता है कि दर्द इतना कष्टदायी था कि उसने उसे मारने के लिए अपने बंधकों से भीख मांगी। उसके पास अभी भी बेकाबू चिकोटी है। यातना का परिणाम भड़काना, जिसे आस्किनिंग भी कहा जाता है, एक पुरानी यातना है कि 883 BC की तारीखें इसमें पीड़ितों से त्वचा को हटाने के लिए अलग अलग तरीके शामिल हैं। पूरे शरीर में फ्लेइंग का सबसे आम रूप एक चाकू का उपयोग करना है, जो थोड़ी के ठीक नीचे तेज ब्लेड डालने के लिए चेहरे पर शुरू होता है और कुछ मामलों में पैर की उंगलियों तक काम करता है। छोटे छोटे हिस्सों में उतारना और धीरे धीरे तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि पूरी तरह से नहीं किया जाता है। एक स्थिर जीवित व्यक्ति है जिसमें उजागर मांसपेशियों स्नायुबंधन और हड्डियां हैं, लेकिन चेहरे की त्वचा अभी भी बरकरार है। एक व्यक्ति त्वचा को हटाने की प्रक्रिया के बाद एक दिन तक कुछ घंटों तक जीवित रह सकता है। एक अन्य विधि में गंभीर रूप से धूप से झुलसना और फिर त्वचा को शामिल करना शामिल है। छिलके वाले बंदियों को बड़ी कड़ाही में रखा जाएगा और केवल उनका सिर बाहर की ओर चिपका होगा। फिर उनकी त्वचा को उबालकर अंदर गर्म तीखा पानी या तेल डाला जाएगा। इम्पेलमेंट था और मरने के सबसे भीषण तरीकों में से एक है। कल्पनीय हाथ और पैर जमीन से बंधे हुए हैं, जिससे व्यक्ति को मोबाइल में बड़े तेल से सना हुआ लकड़ी का बड़ा हिस्सा धीरे धीरे शरीर में धकेल दिया जाता है।
आमतौर पर थियनिस में उन्होंने सुनिश्चित किया कि दांव बहुत ज्यादा नहीं मारा गया था, या ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पीड़ितों को अन्य शारीरिक छिद्रों के माध्यम से या पेट या छाती के माध्यम से लगाया गया था। शिशुओं को कभी कभी अपनी माँ की छाती के माध्यम से मजबूर रहने पर लगाया जाता था। जब पोल को सीधे उठाया जाता था तो पीड़ित को अपने वजन के साथ ग्रुप को नीचे स्लाइड करने के लिए छोड़ दिया जाता था। पीड़ित को धीरे धीरे मरने के लिए 3 दिन तक का समय दे, यातना की यह विधि 1772 ईसा पूर्व की है, लेकिन 15वीं शताब्दी के रोमानियाई व्लाद द्वारा प्रसिद्ध किया गया था। इम्पेलर ब्रैम स्टोकर का 1897 का उपन्यास ड्रैकुला व्लाद के नाम से प्रेरित था और सूली पर चढ़ाने के उदाहरण हाल ही में 1919 में अर्मेनियाई नरसंहार के दौरान दर्ज किए गए थे। एक प्राचीन महान यातना उपकरण जो एक के रूप में भी दोगुना हो गया, विक्षिप्त संगीत वाद्ययंत्र नग्न पीड़ितों को एक बड़े खोखले पीतल के कटोरे की मूर्ति के अंदर रखा गया था। ज्यादातर मामलों में कैदी की जीभ को तेज धातु के कतरों से काट दिया जाता है, फिर उसे खाली गोजातीय प्रतिमा में धकेल दिया जाता है। यातना देने वाले कटोरे के नीचे आग जलाते हैं और व्यक्ति को जिंदा जला देते हैं, धीरे धीरे गर्मी बढ़ाते हैं। पुलिस ऑक्यूपेंट को नहीं सुना जा सकता था क्योंकि धातु की मोटी ढलाई ने ध्वनि अवरोधक के रूप में काम किया था। एकमात्र उद्घाटन बैल के मुंह के माध्यम से था, जो पीतल के ट्यूबों की एक श्रृंखला के अंदर खाना पकाने वाले व्यक्ति से धुआं निकलने देता था, जो कटोरे के सामने की ओर स्थित होता था, जो कि दबी हुई चीख की आवाज को प्रतिध्वनित करता था। मूर्ति के नीचे लगाई गई गर्मी की तीव्रता के आधार पर कैदी 10 मिनट से लेकर कई घंटों तक कहीं भी जीवित रह सकता है। जूस पालना एक पिरामिड के आकार की सीट थी, जिसे एक कैदी को पीड़ित पर बैठने के लिए मजबूर किया जाएगा। रस्सी और एक हॉनेस की सहायता से एक संरचना के ऊपर उठाया जाएगा, क्योंकि पिरामिड के शीर्ष पर नीचे की ओर व्यक्ति को गुदा या योनि में प्रवेश करने के लिए पंक्तिबद्ध किया जाएगा। और अकल्पनीय दर्द और बेचैनी का कारण होगा कि पैर एक साथ बंधे होंगे, ताकि यदि एक पैर दूसरे को ले जाए तो अधिक दर्द करने से विषय को तीव्र दबाव से प्रताड़ित किया जाता है और छिद्र को खींचकर अंततः आंसू और मांसपेशियों के ऊतकों को दबाने से पीड़ित को रात भर सीट से उठाकर पूछताछ को लंबा खींच दिया जाता है। फिर अगली सुबह यातना जारी रखना, यदि पीड़ित सदमे से नहीं मरता या सूंघता है तो वे संक्रमण से मर सकते थे, क्योंकि जूटस्क्रेडल यातना के बीच शायद ही कभी साफ था। देखने के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आपने आनंद लिया।